हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विनेश किचन। आज मैं आपको सूजी और लौकी का ऐसा स्वादिष्ट और हेल्दी नाश्ता बताऊंगी कि जो लोग लौकी नहीं खाते हैं वो भी इस नाश्ते को प्लेट भर भर कर खाएंगे और उन्हें ये पता भी नहीं चलेगा कि वो लौकी से बना हुआ नाश्ता कर रहे हैं। तो चलिए नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए एक मिक्सिंग बाउल में 2/3 कप सूजी यानी कि रवा और 1/2 कप बेसन लेंगे। उसमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच हींग और 1/2 कप दही डालेंगे। अब इसमें कद्दूकस की हुई लौकी डालेंगे। यहाँ मैंने 250 ग्राम लौकी को कद्दूकस करके लिया है और 2 चम्मच अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे। आप यहाँ हरी मिर्च को बारीक काट कर भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे बहुत शैतान हैं, वे खाते समय मिर्च निकाल देते हैं, इसलिए मैं मिर्च को पीस कर डाल रही हूँ। अब इसमें 1 चम्मच तिल, 1 चम्मच तेल और 2 चम्मच चीनी डालेंगे और इन सबको आपस में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक थिक यानी कि गाढ़ा बैटर तैयार कर लेंगे। तो देखिए यहाँ थिक बैटर तैयार है। अब इसे ढककर 10 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे जिससे कि हमारी सूजी फूल जाए। इस पूरे बैटर को तैयार करने के लिए 1/2 कप से भी कम पानी लगा है। यहाँ बैटर को रेस्ट करते हुए 10 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं बैटर अच्छी तरह फूल गया है। अब इसमें बारीक कटा हुआ धनिया डालकर मिलाएंगे और फाइनली इसमें 1/2 चम्मच मीठा सोडा यानी कि बेकिंग सोडा डालकर मिलाएंगे। बेकिंग सोडा डालते ही आप देख सकते हैं बैटर और भी ज़्यादा फ्लफी हो गया है। अब इसे बिना किसी देर किए हुए पकाने के लिए चलते हैं। इसे फ्राई करने के लिए एक मोटे तले की कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डालकर गर्म करेंगे। तेल गर्म होने पर गैस का फ्लेम स्लो कर देंगे। अब इसमें 1/2 चम्मच राई, 1 चम्मच तिल और कुछ कड़ी पत्ते डालकर तड़काएंगे। फ्रेंड्स, तिल गर्म होते ही चटक कर उछलने लगते हैं, इसलिए थोड़ा अपना ध्यान रखें या फिर आप तड़के को थोड़ी देर के लिए ढककर छोड़ दें। अब तैयार किए हुए बैटर को तड़के में डालेंगे और चमचे की सहायता से एक सार कर देंगे और इसे ढककर 15 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर पका लेंगे। आप इसे 12 मिनट के बाद खोलकर चेक कर सकते हैं कि ये नीचे से पक गया है या नहीं। 15 मिनट पकने के बाद आप देख सकते हैं हमारा ये जो नाश्ता है बिल्कुल गुजराती हांडवे की तरह लग रहा है और इसे हम सूजी का हांडवा भी कह सकते हैं। और देखिए ये नीचे से बिल्कुल अच्छी तरह से पक गया है। अब इसे पलटकर दूसरी तरफ भी इसी तरह पका लेंगे। अब इसे एक प्लेट में आराम से निकाल लेंगे जिससे कि ये टूटे नहीं। अब फिर से कढ़ाई में 1 चम्मच तेल, 1/2 चम्मच राई, 1 चम्मच तिल और कड़ी पत्ते डालकर तड़का तैयार करेंगे और इसे दूसरी तरफ भी फिर से 15 मिनट के लिए पका लेंगे। यहाँ पकाते हुए 15 मिनट हो गए हैं। अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और कढ़ाई पर एक प्लेट रखकर कढ़ाई को प्लेट पर पलट देंगे जिससे कि जो हमारा हांडवो है वो आसानी से प्लेट पर आ जाए और वो टूटे नहीं। तो देखिए यहाँ सूजी और लौकी से बना नाश्ता यानी कि हांडवो सर्व करने के लिए तैयार है। तो देखिए हमारा नाश्ता ऊपर से क्रंची और अंदर से उतना ही सॉफ्ट और फ्लफी बना है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।